डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन, वैज्ञानिक डी मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश और थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। वेस्ट एमपी में देखा गया तो आइसोलेटेड बारिश हुआ, सबसे ज़्यादा बैतूल में हुआ 6 मिलीमीटर, और ईस्ट एमपी में भी आइसोलेटेड बारिश हुआ, सबसे ज़्यादा हुआ छिंदवाड़ा में 6 मिलीमीटर। और प्रदेश के सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया है दतिया में 45.2 डिग्री सेल्सियस, वो हीटवेव कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ईस्ट एमपी में नौगांव में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वहाँ से एक ट्रफ लाइन साउथ की तरफ चालू है। कल मध्य प्रदेश में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो अभी वो ट्रफ के साथ मर्ज हुआ है, और एक पश्चिमी विक्षोभ भी आने वाले दिनों में इंडिया के ऊपर असर रहेंगे। तो ये सिस्टम के हिसाब से हमने आने वाले दिनों के लिए चेतावनी और फोरकास्ट जारी किया है, और आप ये फिगर में देख सकते हैं अभी ऑलरेडी नॉर्थर्न एमपी के काफ़ी जगहों में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, स्पेशली ग्वालियर चंबल रीजन में सब 44-45 रेंज में 43 से 44 रेंज में टेम्परेचर दर्ज कर रही है। तो आने वाले दिनों में उधर टेम्परेचर बढ़ने का ही चांसेस है। तो आप इसमें देख सकते हैं अभी भी साउथ एमपी का कुछ जगहों में थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड अभी भी चालू है, स्पेशली धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा वो रीजन में, और साउथ ईस्ट एमपी का भी छिंदवाड़ा, शिवनी, पांडुर्ना, बैतूल, बालाघाट ये रीजन में भी अभी भी बारिश और थंडरस्टॉर्म का चांसेस है। इंटेंसिटी कम हो गया सिस्टम का, फिर भी थंडरस्टॉर्म के साथ साथ गस्टी विंड का चांसेस है। एंड नॉर्दर्न एमपी में स्पेशली ग्वालियर, चंबल और इधर ईस्ट में निवाड़ी, टीकमगढ़ में टेम्परेचर अभी आज से बढ़ने का चांसेस है। तो अब कल का स्थिति देखा गया तो कल भी ईस्ट एमपी में कुछ कुछ जगहों में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ गस्टी विंड का चांसेस कंटिन्यू रह गए। उसके साथ साथ ऊपर मतलब नॉर्दर्न एमपी के डिस्ट्रिक्ट्स में टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसलिए हमने पीला रंग में हीटवेव वार्निंग दिया है। और 19 को देखा गया तो एक्टिविटी बहुत कम हो रही है, और ईस्ट सिर्फ साउथ ईस्ट एमपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसका एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट होगा। टेम्परेचर नॉर्थ में भी बढ़ने का चांसेस है, और साउथ वेस्ट एमपी के स्पेशली जो राजस्थान बॉर्डर और बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा ये डिस्ट्रिक्ट्स में भी टेम्परेचर अभी बढ़ने का काफ़ी चांसेस है, इसलिए हमने हीटवेव वार्निंग येलो कलर में दे रहे हैं। और 20 तारीख तक देखा गया तो इस कम्प्लीटली रेनफॉल एक्टिविटी बंद हो रही है, और टेम्परेचर पूरा प्रदेश में टेम्परेचर बढ़ने का चांसेस है। तो इसके हिसाब से हमने नॉर्दर्न एमपी का काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में हीटवेव वार्निंग दिया है, और साउथ में देखा गया तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा एंड हरदा, इधर भी टेम्परेचर बढ़ने का चांसेस है। थैंक यू।